इंडिया गेट की सैर। राखी और पाखी दो गिलहरी बहनें थीं। दोनों को घूमने फिरने का बहुत शौक था। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागना, पेड़ से कूदकर बिजली के खंभे पर चढ़ जाना, फिर वापस पेड़ पर आना और कभी कभी नीचे हरी हरी घास पर दौड़ लगाना, ये सब उनके रोज के काम थे। एक दिन राखी ने पाखी से कहा, बहन, रोज रोज इन्हीं पेड़ों खंभों पर दौड़ लगाने में अब मजा नहीं आ रहा। तब राखी बोली, मैं भी यहीं घूमते घूमते उकता आ गई हूँ, चलो अब कहीं और घूमने चलें। अगले दिन सुबह सुबह दोनों ने अपने पेड़ से छलांग लगाई और एक ऐसी बस की छत पर कूद गईं जो उनके पेड़ के पास आकर रुकी थी। थोड़ी देर बाद बस चल दी। चलते चलते एक ऐसी जगह बस रुकी जहां तरह तरह के बहुत से पेड़ थे। दोनों एक साथ कूद कर एक पेड़ पर जा चढ़ी। उस पेड़ पर उनकी जुगनी मौसी रहती थी। उसने दोनों का खूब स्वागत किया और पूछा, मेरी प्यारी राखी, दुलारी पाखी, तुम दोनों ठीक ठाक तो हो? तब पाखी बोली, मौसी, वैसे तो हम दोनों ठीक हैं, लेकिन हमें बहुत भूख लगी है। दोनों को भूखी प्यासी देखकर जुगनी ने उन्हें मीठे मीठे जामुन के फल खिलाए। जुगनी को पता चला कि राखी और पाखी नई जगह की सैर करना चाहती हैं। तब वह बहुत प्रसन्न हुई। वह बोली, राखी पाखी, तुम बहुत अच्छी जगह पर आई हो। सामने राजपथ के दोनों तरफ हरी हरी घास बिछी है। तुम्हारे सामने है इंडिया गेट और पीछे राष्ट्रपति भवन। पाखी, जुगनी मौसी, ऐसा गेट तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं। इसके बीच में यह आग की लपटें क्यों उठ रही हैं? जुगनी, पाखी बेटा, यह साधारण आग नहीं है, यह है अमर जवान ज्योति। राखी, जुगनी मौसी, इसे अमर जवान ज्योति क्यों कहते हैं? जुगनी, इसे अमर जवान ज्योति कहते हैं क्योंकि जो वीर सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए लड़ते हुए वीर गति पाकर सदा सदा के लिए अमर हो गए, इसे उन्हीं की याद में जलाया गया था। पाखी, मौसी, यह कब से चल रही है? जुगनी, पाखी, ये 26 जनवरी 1972 से निरंतर जल रही है। पाखी, मौसी, लगता है उन वीरों की याद दिलाने के लिए पास में राइफल पर एक सैनिक का टोप भी इसीलिए रखा गया है। जुगनी, बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। प्यारी पाखी, इस राइफल और टोप को देखकर यह ध्यान आता है जैसे कोई वीर सैनिक अपने प्राणों का बलिदान देकर और संगीन पर सिर टिकाकर वीर गति पा गया हो। इस तरह इंडिया गेट के बारे में राखी पाखी और जुगनी ने ढेरों बातें की। रात को वहीं इंडिया गेट के पास तरह तरह के पकवान खाए। रात भर इंडिया गेट को सपने में देखती हुई राखी पाखी जुगनी के साथ पेड़ पर सोई। सुबह उठकर वे दोनों एक बस से बड़े बस अड्डे जा पहुंची। बस अड्डे से वे दोनों जयपुर की बस पर सवार होकर सीधी जा पहुंची जयपुर के हवा महल। उन्होंने सोच लिया था कि अब तो वे जगह जगह घूमकर नई नई जानकारियां हासिल करेंगी। गोल्डन बुक्स का दीवाना, पढ़ाई हो जो करनी, जरा भी ना घबराना, जरा भी ना घबराना, गोल्डन बुक्स को अपनाना, अपना इंडिया, बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन